रशीदा आमना कितने मोई होंगे ने माँ जी आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दें माँ जी कितने मर गई से हैं कितने वरीक है बेटे कमरे के से ऐसे घर में ना दिया कर बीबी सैन छोटी बीबी सैन ने आके जो हाँ ते उन करते फैसले कोई और कैसी मैं ना कैसा कितने से कंधे से बुला के लिया मेरा मुंह की भी नहीं पाई है और मेरी दवा दारू का हिसाब भी कोई हो रखी बुला के लिया सिकंदर ने जे बीबी सैन माँ जी आपकी दवा के बारे में डॉक्टर ने मुझे सब कुछ समझाया है और आपकी नाराजगी तो मुझसे है ना दवा से तो नहीं ये तो खा ले दूसरी दवा नीचे दराज में रखी है वो निकाल लो आप माँ जी को दवा खिला दीजिएगा और डॉक्टर ने कहा है कि नागा नहीं होना चाहिए मैं तब तक बच्चों को तैयार करवा देती हूँ अगली बारी मेरे कमरे च ना आए साइन मैंने मना किया था उसको नहीं मानी सही रात आपके सिरहाने बैठी रही है और डॉक्टर ने आपकी दवाइयों का शेड्यूल भी उसी को दिया है अब मैं कमरे से जबरदस्ती से बाहर नहीं निकाल सकता ना खैर तो नहीं है चल यहां पर आराम करें चल लेट जाओ ये मिठाई किस लिए रिजल्ट तो नहीं आ गया रिजल्ट आ गया है और मेरा नतीजा तो यही निकलना था क्या मतलब अम्मा और जमन बुआ की कोशिशें रंग ले आई हैं कल लड़के वाले आए थे मुझे देखने कौन सा लड़का इकबाल के माँ बाप उनका बेटा कॉर्पोरेशन में सीनियर क्लर्क है ना बात पक्की हो गई है मेरी क्या मगर हाँ तुमने हाँ कर दी मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं लड़की की माँ ने बर्फी का टुकड़ा उठाया और मुंह में रख दिया जैसे मेरी फूटी तकदीर मुंह में रखते ऐसे घुल गए जैसे मेरा नसीब पता है फरी कल पहली बार पता चला कि मीठा भी कितना कड़वा होता है ना आज नहीं तो कल ये तो होना था
बस तुम खुद को सजा मत देना इस फैसले की। हम लड़कियां क्यों अपने गम के सहारे जिंदगी नहीं गुजार सकती? मैंने तो जिंदगी से कुछ ज्यादा नहीं मांगा था ना। मेरा गम भी मुझे सही मनाने नहीं दिया इन लोगों ने। रिवाज रस्म मुरीद की जंजीरें पहनाने चले आए और अब कफन पहनाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो पता है फरी, कफन सिर्फ सफेद रंग का नहीं होता है। कभी कभी हम लड़कियों के लिए सुर्ख रंग का कफन भी सिया जाता है। मेरी माँ लाई है मेरे लिए सुर्ख रंग का कफन। तुम लोग मेरे जनाजे में जरूर आना। फकीर साईं, तुम पर भी सलामती हो। फकीर साईं, बड़ी बीबी सैन बहू बीमार हैं जी, उन्होंने थोड़े अगे दुआ की दरख्वास्त की है जी, तुसा दुआ करो जो बीबी सैन ठीक हो बंजे। वही शिफा देने वाला है। आमीन। साईं, ये थोड़े किते न्याज है जी। ये उसे दे दो। उनके लिए न्याज अलग है साईं, ये तो आपका ही सेफ की साईं। नहीं, उसका ज्यादा हक है। जो हुक्म सरकार। फकीर साईं, तुसा मैं हवेली तशरीफ लिया उन्हें जी, आके साडे सारियां कीते दुआ करो। हवेली विच कुरान खानी थींदी है जी, ता लंगर भी तकसीम कीता वेंदा है। अब तो आना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सरकार। सलाम फकीर साईं। वालेकुम सलाम।